हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मैं अभी जस्ट अपने बेड से उठती आ रही हूँ। सुबह का टाइम है, आज दिन गुरुवार है, सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। रुद्रांश और रुद्रांश के पापा दोनों सो रहे हैं। सुबह सोकर उठने के बाद मैं सीधा बालकनी में जाती हूँ। सुबह कौओं और चिड़ियों की आवाज़ सुनकर मन एकदम खुश हो जाता है। सुबह उठने के बाद सीधा काम में कभी नहीं लगती हूँ, तो मैं अभी जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने। सुबह के टाइम जब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ तो ठंडे पानी से खूब छींटे मारती हूँ मुंह पर। एक सुबह का ही टाइम होता है जो अपने लिए निकाल पाओ, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी निकाल पाओ। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में और ये ऑन कर दी किचन की भी लाइट। किचन मेरा एकदम नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है और रात में ही सारा किचन का काम निपटा कर ही सोती हूँ, तो सुबह मुझे भगदड़ नहीं होती है। कामों की सुबह एकदम साफ़ सुथरा ही मिलता है। और जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो कामों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए बहुत टाइम रहता है। इसीलिए सुबह का थोड़ा सा आलस छोड़ करके जल्दी उठ जाओ तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ रुद्रांश के लिए। मैंने कुछ बादाम भिगो के रखे हुए थे, उनको वॉश करूँगी तो वो उठता है तो सबसे पहले बादाम को ही खाता है। तो यहाँ मैंने उसको वॉश कर दिया और यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, तो सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पानी भी गर्म हो गया है, मैं पानी पीऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ योगा मैट लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे योगा करूँगी। ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, जितना भी टाइम रहता है 5 मिनट 10 मिनट, तो मैं यहाँ पे योगा करूँगी। और अभी भी रुद्रांश और रुद्रांश के पापा दोनों सो रहे हैं, तो मैं अभी उनको नहीं जगाऊंगी उन लोगों को, क्योंकि रुद्रांश के पापा का लेट नाइट तक ऑफिस का काम चलता रहता है तो वो लेट ही सोते हैं, तो वो अभी 7-8 बजे तक ही उठेंगे। तब तक मेरा घर का सारा काम भी फिनिश हो जाता है। तो मैं एकदम खटपट नहीं कर रही हूँ, एकदम धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ ताकि ये लोग उठ ना जाएं। रुद्रांश के उठने से पहले ही मैं सारा काम कर लेती हूँ, नहीं तो ये उठेगा और कूड़े में ही आगे आगे खेलता है, चलता है। तो इसीलिए मैं उसके उठने से पहले ही सारा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपने पूरे घर की झाड़ू। सुबह उठो तो बहुत फ्रेश फील होता है और उस टाइम ना पूरी शांति रहती है, ना कोई शोरगुल, ना कुछ भी नहीं, मन एकदम शांत रहता है उस टाइम। ये होता है ना कि सुबह अच्छी हो जाए तो दिन तो अपने आप ही बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लेट उठते हो ना तो सारे काम लेट होते जाते हैं और क्या है, दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी बालकनी में। पूरा घर में झाड़ू लग चुकी है, बस बालकनी ही रह गई है। तो झाड़ू लगने के बाद मैं भी यहाँ पानी डालकर साफ कर देती हूँ और यहाँ पर जो एसी के पाइप से पानी निकलता है तो उसी से बालकनी साफ कर देती हूँ, और जो पानी बचता है तो बचे हुए पानी को भी मैं पेड़ों में डाल देती हूँ। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मुश्किल से अभी 7 बज रहा है, तो पूरे घर की सफाई हो जाती है आराम से। तो अभी पूरे घर में लग गया है पोंछा, घर अभी अच्छे से चमक उठा है। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, तो अभी रुद्रांश भी उठ गया है, रुद्रांश के पापा भी उठ गए हैं, तो वो अभी दोनों रेडी हो रहे हैं, ब्रश व्रश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी नहाकर एकदम फ्रेश फील हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी काम तो सारा हो गया है, पूजा भी हो गई है मेरी, अभी मुझे बनाना है नाश्ता। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहा। तो अभी रुद्रांश भी उठ गया है, रुद्रांश के पापा भी उठ गए हैं, और टाइम अभी कितना हो रहा है, 8:30 बज गया है। मतलब मुझे इतना टाइम लग जाता है, 2-2.5 घंटे लग जाता है पूरा। तो चलिए चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में, मैंने कढ़ाई ली हुई है, उसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाला हुआ है सरसों का, और इसमें मूंगफली को रोस्ट करूँगी मैं। तो मूंगफली को मीडियम आंच पे मैं रोस्ट करूँगी, नहीं हाई पे करूँगी तो ना मूंगफली जल जाएंगी, तो मूंगफली को अच्छे से चलाते रहेंगे और रोस्ट करेंगे। तो मूंगफली हमारी अब सिक गई है, कुछ इस तरीके की सिकनी चाहिए। तो हमारी मूंगफली अब सिक गई है, अब इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मूंगफली को निकाल लिया, अब इसमें मैंने लिया हुआ है सौंफ, राई, कड़ी पत्ता। तो अभी ये अच्छे से चटकने लगे हैं, अब इसमें डाल दूंगी मैं प्याज, और एक हरी मिर्च लिया हुआ था तो वो भी डाल दिया है, प्याज और हरी मिर्च।
अब इन सबको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। और पोहे को मैं पहले ही फूलने के लिए रख गई थी, मतलब सोख गलने के लिए रख गई थी, तो मैं जब झाड़ू लगाया था ना तभी मैं रख गई थी, तो पोहा भी अच्छे से फूल गया है। अभी मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया हुआ है, नींबू का रस डाल दूँगी और वहीं नींबू का रस निचोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं, तो हल्दी लिया हुआ है मैंने, आधा चम्मच हल्दी डाल दूँगी और नमक लूँगी, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है मैंने आधा चम्मच। तो यहाँ पे दूसरे साइड मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि रुद्राक्ष के पापा पोहे को बिना चाय के नहीं खाते हैं, तो उनको चाय ज़रूरी चाहिए आती है। तो एक साइड चाय बन रही है, एक साइड पोहा बन रहा है मेरा। तो अभी प्याज भी थोड़ा सा सिक गया है, अभी मैंने इसमें पोहा डाल दिया था और उसको ढक के रख दिया था, तो पोहा भी हमारा अभी बीच बीच में चला दिया था एक बार, तो अभी पोहा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती डाल दी है और गैस बंद कर देंगे, तो पोहा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम तीनों की प्लेट लग गई हैं। रुद्रांश मेरे हाथ से नहीं खाता है, वो अपने हाथ से ही खाता है, तो बोलता मम्मा मैं अपने हाथ से ही खाऊंगा, तो उसके लिए दूध निकाल दिया है और पोहा निकाल दिया, तो वो अपने हाथ से ही खाता है। और यहाँ पे हम दोनों की चाय और पोहा भी रेडी है। तो यहाँ पे देखिए इसको मूँगफली मिल गई है, तो ये मज़े ले के खा रहा है मूँगफली को, बहुत पसंद है उसको मूँगफली। तो यहाँ पे रुद्रांश के पापा को मैंने रूम में ही नाश्ता दे दिया है, क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही है, तो वहीं पे मीटिंग भी करते रहेंगे और नाश्ता भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड। हेलो। उठो उठो। उठो उठो, सब उठ गए हैं, आप ही सो रहे थे अभी तक है? मतलब किचन में अभी आपको नींद आ रही है, है? अच्छा चलो बाय बोलो सबको। बाय। क्या ना हम अब वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर। हाँ क्या खाया आपने बता दो। पोहा। पोहा। पोहा खाया आपने। क्या प्लेट डक्का पोहा। अच्छा प्लेट में थोड़ा सा पोहा और रखा है, पेट भर गया है ना, टमी फुल हो गई है, टमी फुल हो गई। हाँ वो रखा है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया था, आई होप आपको अच्छा लगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, फिर अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। बाय करो। बाय बाय।